हाँ जी, फटाफट से बात कर लेते हैं ऐसी पांच चीजें जो मुझे मैग्नाइट में बहुत ही ज्यादा पसंद आई। नई गाड़ी है, बहुत से नए फीचर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे टच पॉइंट्स हैं जो हम इंडियंस को काफी पसंद हैं और मुझे मैग्नाइट में वो सब देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है इसके अलॉय व्हील्स। इतने बेहतरीन डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स हैं, बहुत ही आई कैचिंग, बहुत ही रिफ्रेशिंग अलॉय व्हील्स हैं, यूनिक आप इनको कह सकते हैं। सेगमेंट में काफी अलॉय व्हील्स, लेकिन इस सेगमेंट में मैं ये कह सकता हूं कि ये अलॉय व्हील्स आर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग अलॉय व्हील्स। अगली चीज जो मुझे इस गाड़ी में बहुत ही अच्छी लगी वो है इसके बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और प्रोजेक्टर फॉग लैम्प। पूरी सेगमेंट में कोई नहीं दे रहा है और बहुत ही अच्छे दिखते भी हैं और काम भी काफी अच्छा करेंगे। अगर आप रात में ड्राइव करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये डुअल बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। और अगली चीज भी ऐसा बेहतरीन सा फीचर है जो हम सबको पसंद आएगा, क्योंकि हम सब लोग एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए तारे लगा लगा के थक गए हैं अपनी गाड़ियों में। और जैसे ही मैंने सुना कि इस गाड़ी के अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आता है, तब से मैं इस फीचर का फैन हो गया और मैं ये सोचता हूँ कि काश ये फीचर मेरी गाड़ी में होता। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हर बार जब भी आपको मैप लगाना हो उस पे, तो वायर से उसको कनेक्ट करना कितना बकवास काम लगता है। तो ये वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए थम्स अप फॉर निशान। जो अगली चीज मुझे बहुत पसंद आई है इस गाड़ी के अंदर वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं, सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छे लग सकते हैं, कुछ लोगों को कार्टूनिश लग रहे हैं, लेकिन एक रिफ्रेशिंग सा लुक है। और मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो कंपनी आपको आगे अपग्रेड्स दे सकती है, आपका जो एनिमेशन है उसकी लुक चेंज कर सकती है और जो डैशबोर्ड है उसका लेआउट भी चेंज कर सकती है। तो वहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो काफी अच्छा फीचर मुझे ये लगा, काफी बड़ा MID इन्होंने दिया है और काफी ब्राइट भी है, तो ये फीचर भी मुझे बहुत पसंद आया। और जो अगला पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इंडियन रोड्स, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा गांव वाले इलाकों में जाते हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज में जाते हैं, जहां पे बहुत से पैचेस ऐसे होते हैं जो अच्छी रोड्स नहीं है, ये सच्चाई है हमारी इंडियन रोड्स की। सो इसके लिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पीस ऑफ माइंड आपको देती है, तो वो चीज मुझे इसके अंदर बहुत पसंद आई। तो यही थी वो सारी चीजें जो मुझे बहुत पसंद आई इस गाड़ी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ये वाला वीडियो देखते जाइएगा, हो सकता है आपके काम का हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।